मध्य प्रदेश के बड़वाह में दो लगातार चोरी का सिलसिला देखने को मिला है। लगातार चोर चोरी की वारदात को अंजाम देते जा रहे हैं और पुलिस केवल जांच करने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रही है। अब एक बार फिर चोरी का मामला सामने आया है, जहां हाउसिंग बोर्ड निवासी मानसिंह चौहान के मकान में चोरों ने सैन लगाकर नकदी जेवरात सहित करीब 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा के माल पर हाथ साफ कर लिया। घटना की जानकारी लगते ही TI राजेंद्र वर्मन सहित पुलिस दल ने मौका स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद खरगोन से FSL की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल की। बहरहाल पुलिस CCTV फुटेज को भी खंगालकर चोरों की तलाश में जुटी है और जल्द ही गिरफ्तारी की बात भी सामने आ रही है। हाँ, मान सिंह जी ने यहाँ ये FIR कर रही है कि हमारे यहाँ चोरी हो गई है। कोई रात में नकबजन ने दरवाजा कुंदा तोड़ के मुसक्का चुरा के ले गया है। इस पर से FIR कायम करके बेचना की जा रही है। तो कितने की हुई, क्या क्या रख? लगभग इनके सोने चांदी के जेवरात सहित तो 2-2.5 लाख रुपए के हो सकते हैं। ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुई है और उसके दौरान हमने यहाँ पे डॉग स्क्वाड टीम और अपने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया है, वो भी जांच कर रहे हैं। अभी तक कहीं कुछ सुराग लगाए? ये रात की घटना अभी हम प्रयास शुरू कर दिए हमने और अभी CCTV फुटेज की भी वो देख रहे हैं। 5 बजे सो के खड़ा हुआ, हाल में सोए थे हम लोग, तो रूम का दरवाज़ा मैंने खोलने की कोशिश की अंदर जाने के लिए, तो अंदर से लगा हुआ था वो। फिर मैंने हाल में से बाहर वाला दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो भी बाहर से लगा हुआ था। और उसके बाद फिर मैंने सामने अपने मामा जी के लड़के रहते हैं उनको फ़ोन लगाया, उन्होंने आके फिर ये दरवाज़ा खोला। उसके बाद हमने उधर से बाहर से जाके रूम में से देखा तो अंदर सब सामान बिखरा हुआ था। फिर हमने 100 नंबर डायल करी और 100 नंबर वाले को बुलाया। पैसे 2.5-3 लाख के करीब थे केस में, मकान का काम चल रहा है अपना, तो इंदौर जाने के लिए रखे थे दरवाजे खिड़की, इनके लिए जा रहे थे हम लोग। और एक चेन है, टॉप्स वगैरह है और चांदी के पाइजा वगैरह, ये चीज़ है। टोटल कितने का? सर 2,70,000 केस वो रकम समझ 2.5 तोला थोड़ा होगा, 2 तोले के लगभग में। 7-8 ग्राम की चेन थी, 5-6 ग्राम के टॉप्स थे, वो बाली वन थी गुड़िया की, वो चांदी की पाइजा वगैरह और ये चीज़ें थी। FIR करवा दी थाने में जाके और वहाँ इंदौर से खरगोन से आई है डॉग स्क्वाड टीम भी आई है, फिंगरप्रिंट वाले भी आए हैं, वो जांच में लगे हुए हैं उन लोग।